नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसानों की बात को लेकर धरना दिया तो बीजेपी घुटनों पर आ गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समय देना पड़ा और किसानों की समस्या को सुनना पड़ा और उनकी समस्याओं को हल करने का वादा किया। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। महामंत्री रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने जब किसानों की बात की और धरना दिया तो बीजेपी की सरकार घुटनों पे आ गई और शिवराज जी ने समय देना पड़ा और किसानों की समस्याओं को सुनना पड़ा, उनको हल करने की बात कही। सुपारी का काम तो बीजेपी के अंदर चल रहा है। समझ में नहीं आता कि शिवराज जी ने वहाँ नरोत्तम मिश्रा जी के लिए सुपारी दे रखी या उनने इनके लिए दे रखी है शिवराज जी के लिए, या बकौल केपी यादव सांसद जी के जो उन्होंने कहा है कि उनकी यहाँ सुनी नहीं जा रही, क्वारंटाइन कर दिया है उनको, बीजेपी में गए अभी इंडिया समर्थकों के द्वारा, और इसी तरह के लेटर पूरे मध्यप्रदेश से पहुँच रहे हैं वहाँ बीजेपी हाईकमान के। तो ये गुट ने बीजेपी को खत्म करने की सफाई दी, ये समझ में नहीं आ रहा। इसका रिजल्ट तो पता चलेगा 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन में पता होगा। सर, उमंग सिंगार ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की जीत हुई, किसानों की बात मानना पड़ी, लेकिन शिवराज जी जो है वो तो कह रहा है कि दिग्विजय सिंह निशाने पर है। सर, नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है सर, शिवराज जी उसकी जो शब्द है उनका, राजनीति करें, बेल जोल की राजनीति करें और सुने कांग्रेस की, विपक्ष की सुने, ये है उसका मंगता। ठीक सर, ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।